हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये वीडियो बहुत पहले ही पोस्ट कर देनी चाहिए थी, बट ड्यू टू थ्रोट इन्फेक्शन मैं नहीं कर पाई, तो सॉरी फॉर दैट। और इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी किचन टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं जो आपके हमेशा ही काम आने वाली हैं। स्पेशल ओकेजन्स पर जब भी कुकिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हालत किचन की ख़राब होती है, और इसको साफ़ करने में भी फिर आपका उतना ही टाइम चला जाता है। तो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके ना बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से किचन में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि जो बेसिक प्रिपरेशंस रहती है, लाइक किसी भी चीज़ की प्यूरी बनानी है या कोई भी मसाला आपको ग्राइंड करके रखना है, वो सब आप पहले से करके रख लीजिए। और ऐसा करने से आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी कुकिंग भी फास्ट होगी, और इसके साथ साथ ना आपका किचन भी क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। और यहाँ पे मैंने सैलेड के लिए भी ना चीज़ों को क्लीन और पील करके रख लिया था, क्योंकि ये जो मेन मेस होता है ना, वो ये क्लीनिंग और पीलिंग के कारण ही होता है। तो आप ये एक बार में सारा काम कीजिए। और आटे को भी मैंने लगा के रेस्ट के लिए रख दिया था, और जितना ज़्यादा आप रेस्ट कराएंगे ना, उतना ही अच्छा पूरी, पराठा या जो भी चीज़ आप प्रेफर करते हैं वो बनता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करूँगी कि जिस चीज़ को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है, आप उसे सबसे पहले कुक होने के लिए रखिए, सो दैट आपका सारा खाना तैयार होते होते वो भी तैयार हो जाए, तो आपका खाना जो है ना वो टाइम पे रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी सारी बेसिक तैयारियाँ हो गई थी, तो मेरे पास इतना टाइम था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले सकूं। तो मैंने बना ली चाय, हस्बैंड भी घर आ चुके थे, उसके बाद मैंने फिर चाय एंजॉय करी, और साथ ही साथ मेरी खीर भी डन हो चुकी थी। तो खीर की रेसिपी किसी और ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूं। और इस ब्लॉग में ना मैं आपके साथ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज शेयर करूँगी, जो है तो बेसिक, हर घर में बनती है, बट मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कढ़ाई में लिया है सरसों तेल, आप अपनी चॉइस का ऑयल ले सकते हैं। जब ये हल्का गर्म हो जाए तो इसमें साबुत जीरा और स्प्लिट की हरी मिर्ची का छौंका लगाएंगे। उसके बाद हम ये बॉइल्ड आलू इसमें डाल देंगे, जिनको मैंने बड़े चंक्स में कट कर लिया है। और उसके बाद बेसिक मसाले, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गर्म मसाला और आमचूर पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के इंटरवल पर चेक करते हुए इन्हें कुक कर लेंगे। और एक बहुत ज़रूरी टिप कि परफेक्ट मसाला आलू फ्राई कर लेना, आपके आलू भी परफेक्टली बॉयल होने चाहिए, तो आपको 2 ही विसल लगानी है, तो आपके आलू बहुत अच्छे बनके रेडी होंगे। और अगर आप पहाड़ी आलू यूज़ कर रहे हैं ना तो बेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा देखिए मसाला आलू फ्राई रेडी था, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ सेमी कढ़ाई में मैंने ले लिया है प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसको हाई फ्लेम पे ना हमें कुक करना है, सो दैट इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। और यहाँ पे पहले ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो ये सारा ऑयल पी जाएगा, और इससे ना आपके ऑयल की खपत भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा ऑयल आपको डालना पड़ेगा इस सब्ज़ी में। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे हम फिर बटर और थोड़ा सा ऑयल। वंस ये फिर कुक हो जाए तो हमने इसमें जो टमाटो और मिर्ची का प्योरी बनाया था वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद बेसिक से मसाले जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको ढक करना, आपको 1 से 2 मिनट तक कुक करना है लो फ्लेम पे। यहाँ देखिए मसाला अच्छे से रेडी हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी आपको कुक करना है 1 से 1.5 मिनट तक, जब तक मसाला अच्छे से कुक ना हो जाए। तो यहाँ देखिए चेक कर रहे हैं तो मसाला बहुत अच्छे से कुक हुआ है, कैसे ऑयल ऊज आउट हो रहा है। फिर इसमें ऐड करेंगे कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी और 1 चम्मच चीनी, जो कि जो खट्टा है ना उसको बैलेंस करेगा। हमने टमाटर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रखी। वंस बॉयल आ जाए उसमें हम ऐड करेंगे फिर पनीर के क्यूब्स और कसूरी मेथी। तो ये बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनी थी, तो इसे गार्निश किया हमने फिर हरे धनिए से। इसमें ना कोई क्रीम गई है, ना कोई इसमें काजू का पेस्ट गया है, फिर भी ये बहुत ही फ्लेवरसम, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत लाइट रहती है और लेकिन टेस्टी बहुत लगती है।
रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, और उनकी सारी फेवरेट रेसिपीज़ थी आज प्लेट में, उनकी फेवरेट पनीर, रायता, खीर एंड दिस मसाला आलू फ्राई, ये तो आज के प्लेटर का हीरो था, विद सम जीरा राइस, सैलड एंड पूरी। तो हर एक कॉम्पोनेंट बच्चों को बहुत पसंद आया, जिसमें से आलू फ्राई जो था ना वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो आप भी जो मैंने टिप्स दिए हैं उनको फॉलो कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टिप्स और रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।